आपने काफी बार देखा होगा अलग अलग अधिकारी अपने हस्ताक्षर करने के लिए अलग अलग रंग के पेन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कोई अधिकारी काले रंग के पेन से सिग्नेचर करते हैं तो कोई अधिकारी हरे रंग के पेन से। आज दोस्तों हम यही जानेंगे कि कौन सा अधिकारी कौन से रंग के पेन से सिग्नेचर करता है और उसका क्या मतलब होता है। नीली स्याही के पेन का इस्तेमाल दोस्तों किसी भी प्रकार के दस्तावेज को लिखने में किया जाता है। स्टूडेंट भी नीले स्याही के पेन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लाल स्याही के पेन का इस्तेमाल शिक्षक नोटबुक या परीक्षा की कॉपियां चेक करने में करते हैं और किसी भी प्रकार के दस्तावेज की जांच करने में भी लाल स्याही के पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, काली स्याही के पेन का इस्तेमाल उन दस्तावेजों में किया जाता है जिनकी फोटोकॉपी निकालनी हो, क्योंकि काली स्याही से लिखे हुए दस्तावेजों की फोटोकॉपी साफ निकलती है। वहीं दोस्तों हम बात करें हरी स्याही के पेन की, तो इसका इस्तेमाल डिसीजन मेकर अधिकारी करता है, जैसे किसी तहसील का अधिकारी। हरे रंग की स्याही से हस्ताक्षर करने का मतलब होता है लिखा गया प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसका अर्थ होता है दस्तावेजों में लिखी सभी बातें सही है और उन्हें मंजूर किया जाता है। तो ये था दोस्तों अलग अलग स्याही के सिग्नेचर का मतलब। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।